हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? हियर वी नो अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, द फेनोमेनन ऑफ मेकिंग अ रीजन। रीजन मीन्स एरिया। द फेनोमेनन ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। It is based on the fact that electric field inside the cavity of hollow conductor is zero. Means क्या है? The phenomenon of making a region, किसी भी area या region को electric field से safe करने के process को ही हम लोग electrostatic shielding कहते हैं। जैसा कि word से ही पता चल रहा है, electrostatic shielding, shielding means shield, shield which protect us, okay? Application क्या है इसका? एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इन अ थंडर स्टॉर्म विथ लाइटनिंग, इट इज सेफ टू सिट इनसाइड अ कार रादर देन नियर अ ट्री और ऑन द ओपन ग्राउंड। द मैटेरिक बॉडी ऑफ एन कार बिकम्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। मीन्स कि जब बारिश के दिनों में बिजली वगैरह चमकती है तो हम लोगों को खुले प्लेस में या फिर किसी प्लांट वगैरह के नीचे खड़ा होने से बेटर है कि हम कार वगैरह में या घर में बैठे हों, जिससे हम लोग थंडर स्टॉर्म ऑफ लाइटनिंग से सेफ रहें। ओके, द मेटेलिक, यहाँ हियर लिखा भी है, द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन कार बिकम्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। जो कार की मेटेलिक बॉडी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का वर्क करते हैं। मीन्स उसके आउटर सर्फेस पे तो चार्ज होते हैं पर इंटीरियर में चार्ज नहीं होते, जिसकी वजह से जो लाइटनिंग है थंडर स्टॉर्म की वो कंडक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम लोग सेफ होते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन टू वेज, वन इन रैंडमली एंड अदर इज कंटिन्यूसली। रैंडम इलेक्ट्रिक करंट इज लाइटनिंग एंड कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट इज बैटरी। ओके, आगे चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। वी ऑल नो अबाउट इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन। सो फॉर नोट मैंने आप लोगों के लिए लिखा दिया, जिससे आपको आइडिया रहे। एंड अब सेकेंड पॉइंट क्या है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का? सेंसिटिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर प्रोटेक्टेड और शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस बाय प्लेसिंग इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर और हॉलो मेटेलिक चैम्बर। ओके, मीन्स जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि शील्डिंग से बचाने के लिए, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सील्ड और शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस, मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए उनको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के थ्रू बचाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है? उनको हम हॉलो कंडक्टर और हॉलो मेटेलिक चैम्बर के अंदर रखना होता है, जिसकी वजह से अंदर जो है, जाहिर सी बात है कि हॉलो इलेक्ट्रिक हॉलो सिलेंडर के इंटीरियर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और आउटर सर्फेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सेफ रखता है फॉर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है नया टॉपिक, कैपेसिटर। कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर? हम लोगों ने घर में देखा होगा फैन वगैरह में जो कंडेंसर लगता है, कंडेंसर, वो कैपेसिटर होता है। ठीक है, सो हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज। ये एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है, या अदर लैंग्वेज में अदर डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच कैन स्टोर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज इन अ स्मॉल प्लेस। इट इज़ अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज, स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ चार्ज इन अ स्मॉल प्लेस। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज को स्टोर करने के लिए, वही तो उसकी कैपेसिटेंस होती है। हम लोग कैपेसिटेंस को भी पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है कैपेसिटेंस की? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप्ड
in the conductor. The capacitance of a conductor is defined as the ratio of charge given to the conductor to the potential developed in the conductor. Let Q be the charge on a conductor and V be its potential. Let Q be the charge on a conductor and V be its potential. Then Q is directly proportional to V. Q is directly proportional to V. Proportionality हटती है तो एक कॉन्स्टेंट आता है प्रोपोर्शनल, जिसे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कहते हैं. तो Q इज इक्वल टू सी वी, वेयर C इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज कैपेसिटेंस. ओके, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड. ओके, 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम अपन वोल्ट. फैरड को हम लोग कूलम वोल्ट इनवर्स लिखते हैं, ये यूनिट है फैरड की. हाँ, अब 1 फैरड को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट इज 1 फैरड? 1 फैरड कैपेसिटेंट इज सेड टू बी ऑफ 1 फैरड इफ ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज स्टोर्ड ऑन इट. ये 1 फैरड का डेफिनेशन है, जिसे आप लोग अच्छे से याद कर लो, ये आपको MCQ क्वेश्चंस वगैरह में पुटअप करता है, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में. अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे. फिलहाल अभी आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देख लेते हैं, इसके डायग्राम को देखते हैं. पैरेलल इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट ऑफ इक्वल एरिया ए सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हियर, फर्स्ट सेकेंड. 2 कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया ए, इन दोनों की एरिया जो है इक्वल है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. हियर डिस्टेंस यहाँ पे है डी. ओके, हम लोग कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.